करनी है। यहाँ पहुँच गए थे, काफी चीजें ले ली हैं कि ये सब्जी लगाते हैं इसको ठिकाने। हमारी तो सहरी ऐसा लगता है सहरी हुई नहीं है। रिकमेंड किया था एक बहुत तारी और सहरी का। सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अभी जा रहे हैं हम राशन लेने के लिए। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ले ले, काफ़ी दिन से मुलाकात भी नहीं हुई है राशन लेने के लिए, रमज़ान की ग्रोसरी की, रमज़ान की तैयारियां मीन्स रमज़ान की ग्रोसरी के लिए। तो मैं बस तैयार हो गई हूँ और मैंने कहा आपको लुक अपना दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैं तैयार हुई हूँ। ऐसे इसके साथ ये शॉल है बड़ी सी, नहीं उल्टी है ऐसे, और इस तरीके से सिंपल सा ड्रेस है, बिल्कुल सादा, और सादा सी शर्ट है और सादा सा इसके साथ ट्राउज़र है। तो ऐसे इसको ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं है। मक्कू आ गया और मक्कू के साथ मुझे वीडियो बनाने में मज़ा भी आता है। थोड़ा सा मैंने कहा करीब करके दिखा दूँ आपको। इस तरीके से मैं रेडी हो गई हूँ। इस तरीके से बस इसका सिंपल सा गला बना हुआ है और ऐसी लग रही हूँ मैं। और मक्कू आ गया है तो मक्कू के साथ जाना आसान है। पता नहीं क्या छालिया मुंह में डाली हुई है। तो बस फिर मिलते हैं वहीं, रमज़ान की तैयारियां करते हैं आप लोगों के साथ साथ इंशाल्लाह ताला। देखेंगे डेली व्लॉग जो है ना, मैं अपनी ट्राई फुल करूंगी कि डेली व्लॉग्स मैं आपको दे सकूं। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए थे जहाँ से ग्रोसरी करनी है, यहाँ पहुँच गए थे। और अभी जो है वो स्पेसिफिकली रमज़ान की शॉपिंग है, काफ़ी चीज़ें ले ली हैं। ये क्या है? हाँ मैक्रोनी ना, ठीक है ये इसको छोड़ दे, बस ये बहुत हैं, काफ़ी काफ़ी हैं, काफ़ी ये ले 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 ले। काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। मक्कू के साथ होने से मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल कंफर्टेबल रहती हूँ। उसको मेरे बारे में पता है, मतलब काफ़ी सालों से मेरे साथ है, तो उसको मुझे मेरा पता है और मुझे उसका पता है, थोड़ा बहुत इस चीज़ का आइडिया है कि व्लॉग कैसे बनाना है। तो उसके बगैर जो है ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी अधूरी है, मीन्स व्लॉग्स तो बिल्कुल नहीं बन सकते। पर यह है कि उसके आने से बहुत अच्छा हो गया। ये वाला एक जग ले लिया, काफ़ी सारे ही हैं लेकिन अच्छा लग रहा था ये वाला। बस ट्रॉली हमने काफ़ी भर ली है, थोड़ा बहुत ही और सामान लेंगे और उसके बाद चलेंगे बिल करवाएंगे। यहाँ पर हमारा बिल हो रहा है। चले भाई, सामान हमने ले लिया, पीछे मक्कू ने सारा सामान वगैरह ले लिया, वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आई हूँ, कुछ सब्जियाँ वगैरह लूँगी, कुछ छोटा मोटा फ्रूट्स वगैरह जो समझ में आया वो ले लेंगे। और सामान तो दिखा दे पीछे, सामान ले लिया सब, घर जाके और प्रॉपर तरीके से दिखा देंगे। आज व्लॉग बनाने की फुल कोशिश की है हमने दोनों ने, अल्लाह ही मालिक है। आलू लेना बाजी, प्याज टमाटर, हाँ। धनिया मिर्ची नींबू लहसुन अदरक आ गया। ये मीठा होगा कि ऐसी होगा? तरबूज, हाँ। नहीं नहीं बाजी, गंदा होगा, हाँ। अभी दो दिन सब्र करो, ऐसे आ जाएंगे बाजी मीठे। रमज़ानों में आपको पता है सब्ज़ी फ्रूट्स और कुछ ग्रोसरी ऑयल चीनी ये चीज़ों का बहुत इस्तेमाल होता है, तो ये है कि वो थोड़े थोड़े दिनों में फिर दोबारा से करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से जो है, जो इस वक्त की रिक्वायरमेंट थी, थोड़ा बहुत जो है वो ले लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रखने से फिर वो ख़राब भी हो जाती है। बाजी ने कचौरी ले ली है, हमने खा ली है, बहुत अच्छी है। केक लेना था फायन स्काई से, ले जाऊँ क्या? अब ये सब्जी आई है सिर्फ बाजी की, ये सब्जी, ये आलू और क्या बाजी, टमाटर। भाई इतनी महंगी सब्जी 1200 रुपये? नहीं 1200 थोड़ी, 2-2.5 हज़ार सारी मिलाए तो। हाँ सारी सब्जी मिलाए तो, खाली प्याज के मैं बोला 1200। प्याज 540 रुपए किलो, हाँ किलो आता 500। और पता क्या क्या लिया सब्जी में? लहसुन अदरक नींबू धनिया मिर्ची, सिर्फ एक पालक ही नहीं। पालक भूल ले, मिली नहीं पालक, सिंधी पालक सही है बाजी। अब सब जगह अंग्रेजी पालक ही डालेंगे और क्या करें, और क्या सही है बाजी।
चलें जी, अब चलते हैं घर और मुलाकात होती है आपसे शहरी में। राशन वगैरह दिखा दूं। और ये सारा सामान मैंने लिया, ये कुछ है और कुछ यहाँ पर है नीचे, तो अब लगाते हैं इसको ठिकाने पे। और ये भी मैंने ले लिया, आइस क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्टैंड लिया एक ग्लास का, ये थोड़ा सा पुराना हो गया था। जग लिया, दैट्स इट। बर्तनों में बस यही लिया, ज़्यादा कुछ नहीं लिया। और ये बाजी ने मैट्स लिए, मैट्स ख़राब हो गए थे तो वो मैट्स लिए। ये वाले साफ नहीं है, ये पापड़ वापड़ ये वो हर चीज़, सिर्फ बेसन के अलावा, क्योंकि बेसन में एक जगह से मंगाती हूँ। आलू दिखाने ज़रूरी थे। चलो सही है जी, एसी खुलने की तैयारी हो गई, किचन की बर्बादी शुरू हो गई है। वहाँ पर भी मक्कू चला गया, मक्कू गाड़ी पे गया था, कोई सामान नहीं। तो ये एसी का हाल देख रहे हैं, ये इतना खस्ता हाल। प्याज ला के डाल दिया, आलू भी ला के डाल दिया इसमें। इस वक्त हो गया सहरी का टाइम, तो जो है फेनिया ना हो सहरी में, तो हमारी तो सहरी ऐसा लगता है सहरी हुई नहीं है। और जब हम छोटे थे तब भी जो है माँ बाप कोई, यानी कि कोई आता था और पूछता था आपने रोज़ा कहाँ रखा है, तो हम कहते थे फ्रिज में रखा है, और वो फ्रिज में फेनिया होती थी। तो ऐसे ही मेरी बेटी भी यही करती थी और मेरा बेटा भी यही करता था। वो समझते थे कि मतलब फेनिया जो है वो ही रोज़ा है और वो रखना है, और अगर वो खाया नहीं गया तो दोपहर में खाना उसको पूरा करना मीन्स रोज़ा है। तो मैंने पराठा वगैरह बना लिया था, दोस्त ने रिकमेंड किया था, एक बहुत अच्छी मेरी सब्सक्राइबर भी है, मेरी दोस्त भी है, हमारे बहुत फैमिली ट्रम्स अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि जो है ना आप कढ़ाई बना लेना। बाद में मैंने सोचा, पहले तो मैंने सोचा था कुछ और बनाती हूँ, लेकिन फिर बाद में मैंने उसकी जो है ना सजेशन के ऊपर जो है वो कढ़ाई बना ली थी मटन की। और चूंकि मुझे पाए बहुत पसंद है तो ये हस्बैंड बाहर से ले आए थे। इस तरीके से हमारी सहरी डन हो गई है, जो है बस नमाज अदा करेंगे और कुछ मतलब कुछ लोग कुरान ख़त्म करते हैं वो करेंगे, बस उसके बाद जो है वो इफ्तार में मुलाकात होती है। अब जो मैंने व्लॉग्स नेक्स्ट बनाए उसके अंदर मैंने रमज़ान के लिए बहुत सारे जो है वो कपड़ों के डिज़ाइनिंग वगैरह आप लोगों से शेयर करनी है। उनकी जो शॉपिंग ईद की करूँगी वो भी आप लोगों के साथ साथ करूँगी, और कोशिश करूँगी कि जो है ना इफ्तारी और सहरी का मैं एक एक व्लॉग तो हर साल में दे ही देती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते। तो इस वजह से डीमोटिवेशन और टेंशन से बचने के लिए मैं बहुत आराम आराम से काम करती हूँ और अपने लिए करती हूँ, क्योंकि जो है जो भी कुछ जो है व्लॉग्स मैं बनाती हूँ वो सारे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी मेमोरीज कलेक्ट कर रही हूँ। इसी के साथ ही मैं वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।